मटर और टमाटर की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगभग 50 ग्राम मटर लिए हैं, हरे मटर, और इनको छील लिया है और एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। इसके अलावा लगभग 2 टमाटर यहाँ पे मैंने काटे हैं, और ये लगभग एक जो प्याज है वो काटा है, और एक मिर्च यहाँ पे हरी मिर्च है उसको काटा है। तो ये सामग्री मैं यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ मटर और हरे जो टमाटर हैं उनकी रेसिपी बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं साथियों मसालों की। लगभग 2 चम्मच है सरसों का तेल लिया है यहाँ पे, 1.5 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच लिया है ये मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा कम लिया है ये हल्दी पाउडर, और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। आप चाहे तो नमक है कम डालो, जो हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी उसके बाद में ऊपर से भी डाल सकते हो। ये 8 से 10 कलियाँ लहसुन के लिए है मैंने, इसको गुलदस्ते के अंदर पीस लिया है। अब सबसे पहला काम करेंगे जो हमारा मसाला है इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये सारा मसाला मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है, और जो लहसुन है वो भी इसमें मिक्स कर लिया और एक पेस्ट के रूप में बना लिया है। अब चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। ये कढ़ाई ली है तो इसमें जो तेल हमने सरसों का तेल लिया है वो इसमें डालेंगे, उसको गर्म करेंगे। आप चाहो तो रिफाइंड तेल या जो भी आप यूज़ करते हो घर पे उसको कर सकते हो। अब इसमें जीरा डालेंगे, इसको पकाएंगे थोड़ी देर। जीरा पकने के बाद में जो पेस्ट मसाला है वो इसमें डालेंगे। पेस्ट मसाला अब इसका जो फ्लेम है वो कम कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब प्याज डाल दिए मैंने इसमें, साथ में हरी मिर्च डाल दिए हैं और टमाटर भी साथ में डाल दिए हैं। इसको मिक्सअप कर लेंगे। और जो ऊपर से हरे मटर है वो भी इसमें ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। काफ़ी स्वादिष्ट रेसिपी तैयार होने वाली है, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है हरे मटर की रेसिपी और टमाटर की रेसिपी। अब फ्लेम को बढ़ा देंगे थोड़ा ताकि ये मटर और जो टमाटर है ये आसानी से पक सके। इसमें थोड़ा सा पानी यूज करता हूँ मैं, बैलेंस पानी। अब 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, 10 मिनट के बाद हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के बाद में हमारे जो मटर और टमाटर की रेसिपी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, और ये कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे। देखो गरम मसाला मैंने डाल दिया है, और गरम मसाले से जो हमारी रेसिपी का स्वाद है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए आप भी हो सके तो गरम मसाले का ज़रूर यूज कीजिए। अब इसको मिक्सअप कर लेंगे इसके साथ में। गरम मसाले मसाले के साथ में मैंने मिला दिया है हमारी रेसिपी को। तो हो सके तो लगभग सारी रेसिपी है जो मतलब जिसमें तरी हो तो उसमें गरम मसाले का यूज़ ज़रूर कीजिए ताकि रेसिपी हमारी स्वाद बन सके। गरम मसाले के अलावा हरा धनिया और हरी मेथी का आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो स्वास्थ्य है वो भी सही बना रहेगा। तो ये हमारी रेसिपी है, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जरूर दीजिए, और जो आपको रेसिपी चाहिए उसके बारे में बताइए ताकि अगली वीडियो में वो रेसिपी हम आपको आपके सामने उपलब्ध करवा सके। और निरंतर रेगुलर रेसिपी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि रोज़ आपको नई नई रेसिपी घर बैठे मिल सके। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद साथियों।